अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी कद्र, हमारे चैनल अबुल हसन अलीगढ़ पर आपका खैर मकदम है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर वीडियो देखते आ रहे थे, लेकिन वो तरीके की वीडियो नहीं थी और हम चैनल को एक्टिव रखने के लिए कुछ न कुछ डालते रहते थे। अब हमारा सफर बिहार का है और हम अपने इस व्लॉग को बेहतरीन तरीके से शूट करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दुआ कीजिएगा सब ठीक ठाक हो जाए, हमारा सफर खैर आफियत से इख्तिताम तक पहुंच जाए। और गाड़ी है वो तकरीबन 6 बजे है, गाड़ी का नाम गरीब रथ है। अभी स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से हम गाड़ी पकड़ेंगे और फिर कल हम इंशाल्लाह बिहार पहुंच जाएंगे। तो रहिएगा साथ तमाम वीडियोस में और दुआ में याद रखिएगा। चलिए फिर तैयारी करते हैं। तो आइए ब्रीफकेस में कपड़े रख लेते हैं, जो हमने साफ कर लिया था, सफाई वफाई कर ली थी। और इसमें कपड़े आएंगे अपने और दोस्त के, तो इसमें कपड़े रख कर के अब हम इसको बंद कर देते हैं। चलिए फिर। ये मेरा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है और ये जो बीच में पानी भर रहा है ना, ये पानी नहीं है, ये जब गाड़ी यहाँ आती है तो धुल कर जाती है और जब यहाँ से वापस जाती है। अब हमारी गाड़ी धुल रही है, ये देखिए ये पानी पूरा भरा हुआ है ना, ये पानी जो है बारिश का, सोच रहे होंगे आप बारिश का नहीं है ये। और मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं, स्टेशन पर मैं गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूं और गाड़ी से पहले अपने साथी का इंतज़ार कर रहा हूं जिसने आज टाइम टाइम पर ड्रामा शुरू करा है। सुबह से फ़ोन कर रहा हूं कि भाई वक्त पे पहुंचो, वक्त पे पहुंचो, लेकिन नहीं। और अभी भी वो तकरीबन आधा घंटा उसको आने में लगेगा, जबकि गाड़ी गाज़ियाबाद से निकल चुकी है हमारी। उसका कहने वाले कहते हैं कि वो हर बार इस तरह ड्रामा करता है और कभी कभी गाड़ी निकाल देता है इसी तरह। फोन खोला दिया है, दिखाऊंगा आने दो उसे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तरीके की हालत थी ना ट्रेन से पहले, वो बहुत बता नहीं सकता। वो मैं बता रहा था ना, एक बंदे ने बहुत ज्यादा दिमाग खराब करा, मैं बंदे को दिखा देता हूँ।
इनकी सीट है हमारी 26 नंबर और ये है हजरत वाला। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। मतलब ये पहला नहीं है इनका, ट्रेन इसी तरह छोड़ते हैं 8 मिनट पहले। ये तो आज ये समझ लीजिए ट्रेन चल दी थी और इनका पैर जो है अंदर आ गया था बस, तब मुझे सांस में सांस आई, वरना मैंने जो है क्या बताऊं, बस बता नहीं सकता। खैर आइंदा बात होगी, खैर दुआ करिए सलामत से पहुंच जाए बस। पहुँचते ही भूख लगी थी और यहाँ पर हमने थोड़ा सा खाना और बिस्किट वगैरह लिया है, अपने यहाँ से लाना भूल गए थे, बारिश का मौसम था इसलिए ले नहीं पाए थे, तो अब हमने यहाँ से जो है थोड़ा बिस्किट और खाना लिया है। और ये हमारा खाना है, इसमें चावल मिला है, छोला मिला है और अलग से ठीक है आमलेट ब्रेड लिया है, ठीक ठाक रहा है, चमाचा भर गया पेट, मेल के साथ मिला मैंने पानी। भागलपुर यहाँ से क्या प्लेन पकड़ेंगे या हेलीकॉप्टर? अरे बस, इनका कहना है यहाँ से हम बस पकड़ेंगे और बस पकड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे? कटिहार। और यहाँ से हम कटिहार जाएंगे, कटिहार से फिर कोई सा गांव पड़ता है उसका, वहीं जाएंगे। चलते हैं अभी यहाँ से कहाँ? नहीं डुमर हम यहाँ जाएंगे और ये बस जो है अररिया। हमारे साथी का ही है और वो सामने दिख रहा है, वो सामने का दरिया कौन सा दरिया है? जौन सी भी दरिया हो। खैर ये यहाँ पे ये बहुत शानदार लग रहा मौसम। अच्छा। ये खाना खाते हैं, ये है भात, भात ही बोलते हैं ना, दाल, ये दाल है माशाल्लाह। अभी आपको मादर कुफ्फार दिखाएंगे। ये भिंडी है और मादर कुफ्फार जो है इसी में ही है। कौन से प्याले में मादर कुफ्फार? ये मादर कुफ्फार, ये वाला, ये गोश्त, ये डोंगा बंद दिख रहा है, ये मादर कुफ्फार से भरा है, ये मादर कुफ्फार माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चावल में मज़ा आ गया था भाई, बहुत शानदार था, अल्हम्दुलिल्लाह, मोटा मोटा चावल और शानदार। तो हम लोग जो है ना भागलपुर से कटिहार पहुँचे और कटिहार डिस्ट्रिक्ट है उस गांव का, गांव का नाम है मरघिया सदर टोला,
दद्दा है साथ में, दद्दा घुमा रहे हैं, दद्दा को कुछ पता नहीं है कहाँ, बस बस वैसे। अब देखो यहाँ के गांव मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला गांव, और ये मादर, आज हमने मादर कुफार खाई, मजा आ गया। नहीं मादर कुफार है ना, तो मादर कुफार किसे कहते हैं? नहीं, और वीडियो हम आज यहीं तक एंड करेंगे भैया, कल जो है दूसरा पार्ट शुरू होगा, और उस पार्ट में शायद कोई और से गांव भी जाएंगे हम, वो दिखाएंगे, ठीक है। बाकी जिन जिन साथियों से मिलेंगे, सोनू मोनू से ही मिलेंगे हो सकता है, तो तब दिखाएंगे। अभी इसको यहीं एंड कर देते हैं क्योंकि हम थक गए हैं, और 2000 कदम चलते ही नहीं, मतलब पूरे कल से चले भी आ रहे हैं, तो थक गए हैं, थक करके जो है चूर हो गए हैं झूठ बोल रहा हूँ वैसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर तुम लोग देख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आखिर में जो सब कहते हैं ना चैनल वाले, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मान जाओ, ठीक है, फिर खुदा हाफिज़।